गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। गिवन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस एट 298 केल्विन। फर्स्ट रिएक्शन दी है Cu प्लस वन इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Cu, इसकी E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है 0.52 वोल्ट। देन सेकेंड इक्वेशन है Cu2 पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन बन गया Cu पॉजिटिव, E0 वैल्यू दे रखी है 0.16 वोल्ट। कैलकुलेट द डेल्टा जी 0 केटी केल्विन टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। तो इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए Cu प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cu में, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu1 पॉजिटिव में, देन Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu0 में। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी निकालनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बहुत बार CSIR नेट GRM में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में भी। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेट लेवल के सेट वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको इसको गाइडलाइन आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ऐसे आप और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व्ड पहला है हमारे पास वन वाला Cu पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया Cu, इसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही जीरो दिया है 0.52 वोल्ट। तो ये हो गया डेल्टा जी वन, डेल्टा जी वन के लिए जो फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई जीरो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा जी वन, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन है, माइनस एन की जगह पर वन इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा है वन इंटू एफ इंटू ई जीरो हमें दिया है 0.52। तो यहां पर आ गया डेल्टा जी वन आ गया हमारे पास माइनस 0.52 एफ, इक्वेशन फर्स्ट। देन ऐसे सेकेंड देखिए Cu2 पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इससे बन गया Cu पॉजिटिव और स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 0.16 वोल्ट, इसके लिए डेल्टा G2 आ जाएगा माइनस एन एफ E0, माइनस n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की जगह पर 1 इंटू एफ इंटू E0 हमें दिया है 0.16 वोल्ट, तो आ जाएगा माइनस 0.16 एफ, इक्वेशन सेकेंड। देन जो हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, थर्ड आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया Cu, इसके लिए हमें E0 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो, ये बन गया क्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, एन की जगह पे 2 एफ ई जीरो, ये आ गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से बन जाएगा डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू, इसकी वैल्यू को इसमें पुट अप कर दीजिए, डेल्टा जी की वैल्यू है माइनस 2 एफ ई जीरो, डेल्टा जी वन की वैल्यू है ये माइनस 0.52 एफ, माइनस डेल्टा जी टू की वैल्यू है 0.16 एफ। तो इसको आप ऐड कर लीजिए माइनस 2FE0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 628516 0.68F। देन हमें निकालना है E0 निकालना है, तो ये आ जाएगा E0 इज इक्वल टू माइनस 0.68F अपॉन माइनस 2F, F से F कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 0.68 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट।
तो इसका जो आंसर आया 0.34 वोल्ट आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड से हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल दिया है Cu2+2 इलेक्ट्रॉन Cu का E0 हमारा निकल गया यहां पर 0.34 वोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपको केमिकल साइंस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।